Hello, assalamu alaikum students, class 4 students, how are you? I hope you are fine. Today I have decided to upload something related to your syllabus. So take out your book from your bag and let's open unit number 5. Page is 42. Which page is this? 42 page and unit number 5. If you have already studied this, then no problem, you can still watch the video and can enjoy. Maybe something interesting I shall tell you today. Journey to Johannesburg. It's written Johannesburg, the short form of Johannesburg. It is actually the city of Africa. You can see the picture. These are African people. This is lady and she is wearing this kind of cap. This is the custom there. Ye wahan ka rivaj hai. Wahan pe log aise pehante hain. And you can see their hairs. अफ्रीकन पीपल के इसी तरह के बाल होते हैं, हल्के हल्के से, छोटे छोटे से. और गर्ल्स के भी आप हेयर देखें, अफ्रीका के लोगों के ऐसे हेयर्स होते हैं. जर्नी टू जोहान्सबर्ग मीन्स जोहान्सबर्ग का सफ़र. आए पढ़ते हैं. नैली जी एंड टीरू, ये जो दो बहन भाई हैं, एक ये नैली जी इस लड़की का नाम हो सकता है और टीरू इस लड़के का नाम हो सकता है. नैली जी एंड टीरू लिव्ड विद देयर ग्रैनी. नैली जी और टीरू जो थे अपनी नानी अम्मी के पास रहते थे. दे लिव्ड 300 किलोमीटर्स. दे लिव्ड 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द बिग सिटी ऑफ जोहान्सबर्ग. वो जो बहुत बड़ा शहर था अफ्रीका, जोहान्सबर्ग उसका नाम था. अफ्रीका के सिटी जोहान्सबर्ग के से वो कितनी दूर रहते थे? 300 किलोमीटर्स से दूर रहते थे. देयर मदर वर्कड इन जोहान्सबर्ग. उनकी माँ जो थी वो किधर काम करती थी? जोहान्सबर्ग में काम करती थी. वन डे देयर बेबी सिस्टर वॉज वेरी सिक. एक रोज क्या हुआ कि उनकी जो छोटी बहन थी, जो बेबी थी अभी, वो बहुत बीमार हो गई. आपको पिक्चर में बेबी नजर आ रही होगी. देयर ग्रैनी डिडंट हैव द मनी फॉर अ डॉक्टर. उनकी नानी अम्मी के पास क्या नहीं थे? पैसे नहीं थे जी. कहाँ जाने के लिए? डॉक्टर के पास जाने के लिए. The two children decided to walk to Johannesburg to find their mother. The two children decided to walk to Johannesburg to find their mother. तो दोनों बच्चों ने क्या फैसला किया कि क्यों ना वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कहाँ जाएंगे? Johannesburg जाएंगे, क्योंकि वो Johannesburg से 300 किलोमीटर्स दूर रहते थे. आइए अब प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन. पेज के ऊपर आपने फिंगर रखनी है एंड डोंट रिमूव योर फिंगर. ठीक है, जब आप फिंगर जैसे ही आपकी हट जाएगी तो आपको भूल जाएगा कि मैं कहाँ से रीड कर रहा हूँ. अगर बुक आपके पास नहीं भी है तो आपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है वो गौर से देखना है. द चिल्ड्रन वॉक्ड क्विकली अवे फ्रॉम द विलेज. द चिल्ड्रन वॉक्ड क्विकली अवे फ्रॉम द विलेज. बच्चों ने जल्दी जल्दी से अपना सफर बांधा. बच्चे जो हैं वो जल्दी जल्दी से अपने गांव से वो रवाना हुए. पैदल चलकर वो जा रहे थे. द रोड वॉज रियली जस्ट अ ट्रैक मेड बाय कार टायर्स. देखें, जब किसी जगह से गाड़ी अक्सर गुजरती है तो अगर वो मिट्टी वाली जगह होगी या रेत वाली जगह होगी, जैसे डेजर्ट हो, कोई रेगिस्तान हो, वहां से अगर गाड़ी गुजरेगी तो वहां से क्या रह जाएंगे? टायर के निशान रह जाएंगे. इसी तरह के रोड्स थे वहां पे, क्योंकि वो विलेज में रहते थे. द रोड वॉज रियली जस्ट अ ट्रैक मेड बाय कार टायर्स. गाड़ी के टायरों से बने हुए, गाड़ी के टायरों से बना हुआ ट्रैक जैसे होता हो, इसी तरह का रोड था. टू लाइंस ऑफ डस्टी रेड अर्थ लीडिंग आउट अक्रॉस द फ्लैट ड्राई ग्रासलैंड. टू लाइन्स ऑफ डस्टी रेड अर्थ लीडिंग आउट अक्रॉस द फ्लैट ड्राई ग्रासलैंड. अब जहां पे कैसा नजारा बताया जा रहा है कि टू लाइन्स थी डस्टी रेड अर्थ लीडिंग आउट अक्रॉस द फ्लैट ड्राई ग्रासलैंड. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वहां से कोई गाड़ी गुजरी होगी, इसलिए दो लाइंस बन चुकी थी. किस तरह की दो लाइंस बन चुकी थी? डस्टी रेड अर्थ लीडिंग आउट
अक्रॉस द फ्लैट ड्राई ग्रास लैंड. वो इलाका जो था, वो विलेज एरिया जो था, वो कैसा था, ग्रास लैंड था वो जैसा था. और बिल्कुल ऐसी ग्रास लैंड थी जिसमें बिल्कुल फ्लैट और ड्राई किस्म की ग्रास जो थी वो उगी हुई थी. बिल्कुल सीधी सीधी सी और खुश्क सी ग्रास थी, और उससे वो अब दूर जाते जा रहे थे. अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करता हूँ. वंस एट द बिग टार रोड दे टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्ली मॉर्निंग सन, फॉर दैट वॉज द वे टू जोहानसबर्ग. वंस एट द बिग टार रोड, जब वो बिग टार रोड पर आए, दे टर्न्ड इन द डायरेक्शन, तो उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया. वो किसकी तरफ मुड़े, उन्होंने देखा कि सूरज किस तरफ है. जहाँ पे सूरज था, सुबह का ताज़ा सूरज जो भी निकला था, जिस तरफ से, उन्होंने क्या सोचा कि जोहानसबर्ग तो इसी डायरेक्शन में है, तो वो सूरज की तरफ चलने लगे. दे टर्न्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्ली मॉर्निंग सन, फॉर दैट वॉज द वे टू जोहानसबर्ग. द स्टील रेलवे लाइन ग्लिंटेड अलॉन्ग साइड द रोड. जो स्टील की रेलवे लाइन थी, ग्लिंटेड मीन्स स्पार्कल्ड, मतलब चमकना, वो सड़क के किनारों पे, सड़क के साथ साथ वो उसकी शाइनिंग नजर आ रही थी. इफ ओनली वी हैड सम मनी टू बाय टिकट्स फॉर द ट्रेन, वी डोंट इवन हैव 1 सेंट टीरो साइड. तो टीरू ने मशवरा दिया है, इफ ओनली वी हैड सम मनी टू बाय टिकट्स फॉर द ट्रेन, कि काश हमारे पास ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए थोड़े पैसे होते. वी डोंट इवन हैव 1 सेंट, हमारे पास तो एक सिक्का भी नहीं है. टीरू साइड, टीरू ने सांस भरी. नेवर माइंड, वी शैल गेट देयर सम हाउ, कोई मसला नहीं, हम वहां किसी ना किसी तरह पहुंच ही जाएंगे. नालीडी वॉज स्टिल कॉन्फिडेंट एज दिस सेट ऑफ ईस्ट वर्ड्स. नालीडी को अभी भी अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था. जैसे जैसे वो ईस्ट वर्ड्स बढ़ते जा रहे थे, सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट वर्ड्स से. द टार रोड बर्नड देयर फीट, जो टार रोड थी उससे वहां पे चलते चलते उनके पाँव जलने लगे. बर्नड देयर फीट, उनके पाँव जलने लगे. लेट्स वॉक एट द साइड, टीरू सजेस्टेड. चलो क्यों ना साइड पर होकर चले, टीरू ने मशवरा दिया. लेट्स वॉक एट द साइड, टीरू सजेस्टेड. द ग्रास वॉज ड्राई एंड स्क्रैची, जो घास थी वो खुश्क भी थी और चुभने वाली भी थी, स्क्रैची भी थी. द ग्रास वॉज ड्राई एंड स्क्रैची, बट दे वर यूज टू इट, लेकिन अब वो इस चीज के आदि हो चुके थे. नाउ एंड अगेन अ कार और ट्रक रोड बाय, थोड़ी थोड़ी देर बाद. नाउ एंड अगेन, थोड़ी थोड़ी देर बाद, अ कार और ट्रक रोड बाय. देखिए, रोर कहते हैं शेर की आवाज को, ऐसे करके जो शेर की आवाज आती है, तो शेर की आवाज की तरह गरजते हुए थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई कार या ट्रक उनके पास से गुजरते. एंड देन द रोड वॉज क्वाइट अगेन, और दोबारा सड़क पे खामोशी छा जाती. एंड दे वर अलोन, और फिर वो अकेले हो जाते. आप खुद भी सोच सकते हैं ना, किसी जगह रोड से आप अकेले पैदल गुजर रहे हो, तो आपकी साइड से कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्रैफिक तो गुजरेगी, लेकिन जब ट्रैफिक गुजर जाएगी, फिर कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोशी छा जाएगी और कोई भी नहीं गुजर रहा होगा. नलिडी बिगेन टू सिंग द वर्ड्स ऑफ हर फेवरेट ट्यून. नलिडी जो है वो क्या गाना शुरू होगी, अपनी फेवरेट ट्यून के अल्फाज वो गुनगुनाना शुरू होगी. नलिडी बिगेन टू सिंग द वर्ड्स ऑफ हर फेवरेट ट्यून, एंड टीरू वॉज सून ज्वाइनिंग इन, और टीरू ने भी उसका साथ दिया, टीरू भी साथ शामिल हो गया. ऑन दे वॉक्ड, फिर वो चलते रहे. चलें थोड़ा सा गैप लेते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं. आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके थोड़ा रिलैक्स फील कर सकते हैं, और 1 मिनट के बाद जो है वो दोबारा वीडियो को सुनना स्टार्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. कांट वी स्टॉप एंड ईट, सबसे ऊपर वाली लाइन है. कांट वी स्टॉप एंड ईट, क्यों ना हम थोड़ी देर लिए रुक जाएं और कुछ खा लें.
टीरू वॉज बिगनिंग टू फील शॉर्प स्टैब्स ऑफ हंगर. टीरू को सख्त भूख लग चुकी थी. टीरू वॉज बिगनिंग टू फील शॉर्प स्टैब्स ऑफ हंगर. स्टैब्स का मीनिंग है अ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फिजिकल और इमोशनल पेन, कि आपको शदीद किसी चीज़ की तड़प होती है, तो उसको भूख से वो तड़पने लगा. बट नलीदी वॉन्टेड टू गो और अनटिल दे रीच्ड द टॉप ऑफ द लॉन्ग लो हिल अहेड. लेकिन जो नलीदी थी वो पहले भी बताया है, वो ज़रा कॉन्फिडेंट थी, वो हिम्मत हारने वाली नहीं थी. वो वॉन्टेड टू गो, नेक्स्ट लाइन पे आ गए हूँ मैं, वॉन्टेड टू गो ऑन, वो आगे बढ़ते रहना चाहती थी. अनटिल दे रीच द टॉप ऑफ द, यहाँ तक कि वो कहाँ पहुँच जाए, लॉन्ग लो हिल अहेड, लंबी सी और निचले लेवल की जो पहाड़ी थी उनके आगे, उसके नीचे तक वो पहुँच जाएँ. देयर लेग्स स्लोड डाउन एज दे बिगेन द वॉक अप हिल. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे तो उनकी लेग्स जो थी वो स्लो डाउन हो गई. देयर लेग्स स्लो डाउन एज दे बिगेन टू वॉक अप हिल. उनकी टांगे जो थी, अब चूंकि वो थक चुके थे ऊपर चलते चलते, अब वो उनकी टांगे स्लो होगी. देयर बॉडीज फीलिंग वेरी हैवी. उनकी जो बॉडीज थी अब बहुत हैवी महसूस कर रही थी. एट लास्ट दे केम टू द टॉप एंड फ्लॉप्ड डाउन टू रेस्ट. आखिरकार वो सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच गए. एंड फ्लैप्ड डाउन टू रेस्ट. फ्लॉप्ड का मीनिंग है इन फुल, सॉरी, टू फॉल, लाई और सिट डाउन इन ए सडन ऑकवर्ड और रिलैक्स्ड वे. यानी जैसे आप किसी जगह पे लेट गए हों, आप सख्त थके हुए हों और आप बिल्कुल लेट गए हों, इसको कहते हैं फ्लॉप्ड डाउन टू रेस्ट. नेक्स्ट लाइन, हंग्रीली दे एट देयर स्वीट, हंग्रीली दे एट देयर स्वीट पोटैटोस एंड ड्रिंक द वाटर. उनको चूंकि सहद भूख लगी हुई, भूख के मारे उन्होंने अपने स्वीट पोटैटोस खाए और उसके ऊपर से क्या पिया, जी वाटर पिया. द एयर वॉज हॉट एंड स्टिल. हवा गर्म भी थी और रुकी भी हुई थी. सम बर्ड्स स्कीम्ड लाइटली अक्रॉस द स्काई एज दे गेज्ड डाउन एट द लॉन्ग रोड अहेड. जैसे जैसे वो अपने सामने, गेज मीन्स घूरना, जैसे जैसे वो अपने सामने जो लंबा रोड था, अहेड का मतलब होता है आगे की तरफ, लंबे रोड को जब वो देख रहे थे तो क्या हो रहा था, उनके ऊपर से परिंदे गुजर रहे थे. स्कीम्ड का मतलब है टू मूव क्विकली जस्ट अबव समथिंग. स्कीम्ड का मतलब है टू मूव क्विकली जस्ट अबव समथिंग. इट स्ट्रेच्ड इन टू द डिस्टेंस बिटवीन फेंस्ड ऑफ फील्ड्स एंड ड्राई ग्रास अप टू अनदर फॉर ऑफ हिल. इट स्ट्रेच्ड इन टू द डिस्टेंस बिटवीन फेंस्ड ऑफ फील्ड्स एंड ड्राई ग्रास अप टू अनदर फॉर ऑफ हिल. इसका मतलब ये है कि रास्ता काफ़ी लंबा था, वो जो रोड था काफ़ी डिस्टेंस तक वो फैला हुआ था. बिटवीन फेंस्ड ऑफ फील्ड्स, और उसके दोनों साइड पे ऐसे खेत थे जिनके, खेतों के आगे जालियां लगी हुई थी, और खेतों के आगे जालियां लगी हुई थी यानी कि उसकी, समझ ले, खेतों के आगे बॉर्डर से बनाए हुए थे ताकि खेतों में कोई और एंटर ना हो, और उनके दरमियान में जो थी रोड गुजरी थी और बहुत दूर तक रोड जाती थी, और खेतों में क्या था, ड्राई ग्रास भी थी. और फिर वो ये सारी जगहों से होते हुए, फेंस्ड ऑफ फील्ड्स में से होते हुए और ड्राई ग्रास में से होते हुए, वो कहाँ पे पहुँच गए, अप टू अनदर फार ऑफ हिल. अब जहाँ पे मेरी फिंगर है वहाँ पे आ जाए. कम ऑन वी मस्ट गेट ऑन. चलो चलो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए. नलीदी इंसिस्टेड. इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर फोर्स करना, किसी चीज़ की जिद करना. नलीदी ने इंसिस्ट किया यानी कि इस बात के ऊपर उसने जोर दिया. पुलिंग हर सेल्फ अप क्विकली. वो ऊपर की तरफ अपने आप को धकेल रही थी. जब आप ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है. शी कुड टेल दैट टीरू वॉज ऑलरेडी टाइट बट दे कुडंट अफोर्ड टू स्टॉप फॉर लॉन्ग. शी कुड टेल दैट टीरू वॉज ऑलरेडी टाइट. उसको पता था, वो ये बात बता सकती थी कि टीरू सख्त थक चुका है, बट दे कुड
couldn't afford to stop for long, लेकिन वो काफ़ी देर तक रुके नहीं. ये चीज़ उनको सूट नहीं की कि वो रुक जाएं, क्योंकि उनका सफ़र लंबा था और शाम भी हो सकती थी. द सन हैड ऑलरेडी पास्ड इट्स मिड डे पोजिशन. मिड डे पोजिशन यानी कि जब दोपहर के 12 बजते हैं तो दिन का दरमियान हो जाता है, दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है. तो आफ्टरनून के बाद का ये वक़्त था. द सन हैड ऑलरेडी पास्ड इट्स मिड डे पोजिशन. तो सूरज जब सर के ऊपर आता है, बिल्कुल सर के ऊपर आता है, तो समझ लें वो मिड डे पोजिशन पे था. मिड डे पोजिशन से भी वो आगे बढ़ गया था सूरज. अब जो समझ लें सूरज अब ग्रूब ही होगा कुछ घंटों के बाद. एंड दे डिडेंट सीम टू हैव ट्रेवल्ड बाय फार. सूरज ने तो अपना आधा सफ़र कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उनको अभी भी लग रहा था कि उन्होंने तो बहुत दूर तक ट्रैवल ही नहीं किया. ऑन दे वॉक्ड स्टेडली सिंगिंग टू ब्रेक द साइलेंस. वो आगे बढ़ते रहे और मुस्तकिल बढ़ते रहे, बिल्कुल भी नहीं रहे, और खामोशी से निजात पाने के लिए, खामोशी की बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते रहे, गाना गाते रहे. अच्छा ये साइड वाला बॉक्स पढ़ लें. द नेक्स्ट डे अ लॉरी ड्राइवर वॉज वेरी काइंड टू देम. अगले रोज़ एक ये होने वाला है कि उनके पास से एक ट्रक ड्राइवर या लॉरी ड्राइवर जो है वो गुजरेगा और उनको उनके साथ अच्छा सलूक करेगा. द सन रोज हायर. सूरज और ऊपर सर के ऊपर आता गया. ऑन दे वॉक फिर भी वो आगे बढ़ते रहे. द हीट सैंक इन टू दैम. गर्मी उनके अंदर जज़ब होती रही, यानी उनके अंदर सिंक का मतलब होता है डूबना. सैंक उनके अंदर गर्मी जो थी, वो हीट जो थी उनके अंदर डूब सी गई, उनके अंदर दाहल होती गई. एंड दे फेल्ट द स्वेट ऑन देयर बॉडीज. ये लफ्ज़ है स्वेट, स्वीट नहीं बोलना इसको. उन्होंने अपनी बॉडीज पे क्या महसूस किया, स्वेट मतलब पसीना. ऑन दे वॉक्ड फिर भी वो आगे बढ़ते रहे. अलोन अगेन एक्सेप्ट फॉर द ऑड फ्लैशिंग बाय ऑफ अ कार और ट्रक. ऑन दे वॉक्ड अलोन अगेन एक्सेप्ट फॉर द, दोबारा से वो अकेले हो गए, एक्सेप्ट फॉर द ऑड फ्लैशिंग बाय ऑफ अ कार और ट्रक. दूर से उनको किसी गाड़ी या ट्रक की रोशनी जो थी वो चमकती हुई नजर आ रही थी. स्क्रीच टायर्स स्किडेड एंड स्टॉप. गाड़ी ने जब ब्रेक लगाई तो स्क्रीच की आवाज आई. तो टायर स्किडेड, स्किडेड मीन्स टू स्लाइड अलोंग अ रोड और अदर सरफेस इन एन अनकंट्रोल्ड वे. द फॉर एग्जाम्पल द ट्रक स्किडेड ऑन द आईसी रोड. तो स्किडेड मीन्स यही होता है कि आप जब बहुत तेज़ी से जाते जाते एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो टायर से एक खास आवाज़ आती है और टायर को थोड़ा सा स्लिप भी होता है उस वक़्त. टायर स्किडेड एंड स्टॉप. टायर थोड़े से स्किड हुए फिर रुक गए. वेयर आर यू टू किड्स गोइंग. तुम दोनों बच्चे किधर जा रहे हो. द ड्राइवर ऑफ द लॉरी स्टक अ फ्रेंडली फेस आउट ऑफ द विंडो. जो लॉरी का ड्राइवर था उसने अपनी जो छोटा सा उसकी खिड़की थी ना ट्रक की, लॉरी की, उसने वहाँ पे अपना सर फंसा कर, अपना फ्रेंडली फेस फंसा कर उनसे पूछा, यानी कि बड़ा मुस्कुराहट से पूछा. आगे से बच्चे कहते हैं टू जोहानसबर्ग. ये उनकी जुबान का वर्ड हो सकता है रा. टू जोहानसबर्ग. आर यू क्रेजी. तुम लोग पागल हो. दैट्स मोर देन 250 किलोमीटर्स अवे. इसका मतलब है अभी बच्चों ने सिर्फ 50 किलोमीटर सफ़र किया था. 50 किलोमीटर्स मींस कि अगर आप देखो बच्चों, अगर 50 किलोमीटर्स आज के सफ़र करना हो ना, सीधा रोड भी हो, तो 50 किलोमीटर्स तक सफ़र करने के लिए आपको अगर बाइक पे जाएं तो एक घंटा लग सकता है, और अगर कार पे जाएं तो 30 मिनट्स भी लग सकते हैं. अगर फुल स्पीड से गाड़ी जाए तो 30 मिनट्स लगेंगे अगर आप गाड़ी पे जाएं. लेकिन यानी कह लीजिए सियालकोट से अगर आप गुजरांवाला जाते हैं तो 50 किलोमीटर्स लग जाते हैं. तो बच्चों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने तो अभी सिर्फ इतना ही सफ़र किया था, आगे उनको 250 किलोमीटर्स और जाना है. बहुत लंबा सफ़र उन्होंने आगे करना है. वी हैव टू गो, नलिनी सेड सिंपली एंड एक्सप्लेन्ड. ट्रक ड्राइवर उनको कह रहा था तुम लोग पागल हो, लेकिन नलिनी कहती है हमें जाना ही जाना है. उसने कहा
नलिदी सेड सिंपली एंड एक्सप्लेन. नलिदी ने सादगी से कहा और फिर उसको वजाहत भी पेश की. वेल वेल दैट्स समथिंग द ड्राइवर मटर्ड. वेल वेल दैट्स समथिंग ड्राइवर मटर्ड. ड्राइवर जो है वो उस टाइम बड़बड़ाया. इट विल टेक यू अ वीक टू वॉक फॉर दैट फॉर एंड योर ग्रैनी विल बी वेरी वरीड. तुम लोगों को एक हफ्ता लग जाएगा इतनी दूर जाते जाते और तुम लोगों की नानी अम्मी बहुत परेशान होगी. आई शुड टेक यू बैक होम. मुझे लगता है कि तुम लोगों को घर वापस छोड़ाऊँ. बट आई एम लेट टूडे ऑलरेडी. लेकिन आज मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ. ही पॉज्ड टू थिंक. वो थोड़ी देर के लिए रुका, थोड़ा उसने सोचा. डू यू नो वेयर योर मदर वर्क्स. तुम लोगों को पता है तुम लोगों की माँ किधर काम करती है. नलिदी नॉडिड. नलिदी ने सर हिलाकर कहा नहीं. पुलिंग आउट द लेटर फ्रॉम द पॉकेट. फिर उसने अपने पॉकेट से एक लेटर को निकाला. ऑल राइट देन हॉप ऑन द बैक. चलो उछल कर पीछे बैठ जाओ. एंड आई शैल टेक यू टू जोहान्सबर्ग. और मैं तुम लोगों को जोहान्सबर्ग ले जाऊंगा. आई एम टेकिंग द ऑरेंजेस देयर. मैं उस शहर में ऑरेंजेस छोड़ने जा रहा हूँ. थैंक यू रा. उन बच्चों ने उसका शुक्रिया अदा किया. द चिल्ड्रन लॉफ. बच्चे हंसते रहे. दे पुल्ड देम सेल्व्स अप ऑन टू द लॉरी. वो अपने आप को झटका देकर लॉरी पे बैठ गए. वेजिंग देम सेल्व्स अगेंस्ट द सैक्स ऑफ ऑरेंजेस.